नमस्कार स्वागत करुछी ओडिया रोसे कि आज मुझे सहित सेयार करी दही कांजी आशा करुछी आज रेसीपीटी आपको भल लगे जदि आम चैनल आपण मैंने नुआ एपर्त सब्सक्राइब करना तेल भिडियोटी को देखी लाइक कर सब्सक्राइब करदे सब्सक्राइब कला बेल आइकन को प्रेस कर अल बटन में क्लिक करदे मुझे जो नुआ भिड आपत सेयार करी आपस्ट देखिपारे तो चलते स्टार्ट करवा आज रेसीपी प्रथम ये एक जगार आम नहीं दही ये नहीं गोटे कप खटा दही जदि आप दुकान दही यूज करटा नाई ताल गोटे आंबूल पकईदे एबी दुई चमच बेसन देदेचे तापर य दही आ बेसन को आम भल भाव मिक्स कर नवा एबे एठी आमे भल भाव दही आ बेसन को मिक्स कर नेचे तापर एठी आमे टेस्ट अनुजाई लुण देदेले तापर एठी हलदी गुंड अल्प देदेले तापर एठी गोटे टी स्पून जीरा पाउडर 1/4 टी स्पून रेड चिली पाउडर जेतिके आपण राग खाइबो पसंद करुछंती ता अनुसार लंका गुंडटा आड करिवे तापर एई सब को आमे भल भाव मिक्स कर नबा एई कप रे मापी की दही नेइथिली एई सेम कप रे ही गोटे कप पानी दे दूची एवं भल भाव फेंटी नवा आपन जब बेसन पकवाक चाहूना तेल बेसन बदल आपन चावल चूना मध्य आड करें भल भाव मिक्स करनी जदि आप दही खटा ना तो गोटे आंबूल पकईकि रखिदे एवं दही कांजी पर जा एबे एठी पांचटा को भेंडी को मु काटि के नै आइछि अल्प टिके कखार नै आइछि गोटे बायगन को छोट छोट करके काटि नै आइछि एही सब को आमे गोटे परे गोटे भाजी नबा एबे एठी कढ़ी दे दबा सोरिस तेल तेल ऊपर एठी आमे अल्प टिके लुण दे दबा आमे जतरे परिबा गुडी को भाजीबा आउ कढ़ी रे लागिबोनी ए टिप्सटा आपण मने रखंतु प्रथमे आमे एठी बायगन को भाजी नबा एबे एठी बायगण ने आम अल्प लुण देदे ये आम कभर करदे कि समय पर दुई रु तीन मिनट पर कभर बाहर करे लो फ्लेम करदे एबे एठी बायगण आउ टिके टिके सिझिबो एबे एठी भल भाव आम बायगण को भाजी नहींचे कभर करके घोड़े घोड़े एक जगह को बाहर करे बायगण को तापर आम नेक्स्ट भाजवा कखारु कखारु को देद कखारु को दे सारापर कखारे अल्प टिके लुण देद सेम प्रोसेस रे ही घोड़े कि कखारुटा सीझे जिते बेले बाहर करी घोड़े कि दुई रु तीन मिनट पर कभर देद बाहर करजा आए कखारु हम होपर घोड़े घोड़े आम कखारु को भाजवा एबे एठी कखारु को मध्य प्लेट को बाहर करनेले तापरे आमे एठी अल्प टिके तेल दे दबा तेल सरीगलाणी तापरे आमे लास्ट को भाजीबा भेंडी भेंडी रे मध्य अल्प टिके लुण दे दबा आ हळदी गुंड अल्प दे दबा भेंडी को मध्य आमे हल्का ब्राउन कलर हला जाय घोड़े की भाजी नबा आपण एही परी खोला मध्य भाजी पारिबे तापर कड़े आम देद तीन रु चार चमच हम पा जहाद्वारा कि आम कड़ेटा गरम अच्छी पा देवा द्वारा कड़ेटा टी थंडा हो दही जिते बम दबा आ दहीटा फाटबन एबे
पानी दबा द्वारा कड़ीटा थंडा हो जाए दही सब मिक्स करके रखी एवं दही को देद दही को आम ये लो फ्लेम रे कुक करवा एबे एठी 2 रु 3 मिनट आमे मीडियम फ्लेम कर देखी कुक करबा। तापर एठी फुटिया पई छाड़ी देले फुटी सारी छी एठी। तापर जहां आमे परिबा सब रखीथिले भाजी की ताकु एबे आमे दे दबा लो फ्लेम कर देजे। तापर एठी दुटा कंचा लंका दे देले एबे एठी लो टू मीडियम फ्लेम रे आमे किछि समय कुक होवा पई छाड़ी देबा। एबे एठी 2 रु 3 मिनट समय हो जाई छी हमरो एठी रेडी हो जाई छी दही कांजी। एबे आमे एक छुंक रेडी करबा छुंक पई एक प्यान रे दे देबा सोरिस तेल। एबे एठी तेल गरम हो गला परे दे देबा पंच फुटण 1 टीस्पून। तापर एठी गोटे कटा होइथिबा पियाज को दे देबा। आपण यदि पंच फुट नवा चाहू ना ताले जीरा सोरस पान मुहरी आड करें मेथीटा जन जन को पसंद नुह से पंच फुट बदल आपनटा जिनस पकई फुटे पारे। एटे दे रसुण छेचा दस कला हम रसुण को छेची नहींचे दुईटा सुखला लंका आ भृसंग पत्र कोईदेले हालका ब्राउन जिते रसुण तापर आमे दही को ऐड करबा बहुत ब्राउन करिवेनी। एबे एठी अल्प हिंग दे देले एबे एठी आमे दही को आ वेजिटेबल को कुक करके रखी थिले सही थरे ए छुंक को ऐड कर दबा। तापर एठी भल भाव मिक्स कर नबा। एबे एठी कभर कर दबा कभर करके आम ये गोटे मिनट कुक होगापी छाणी दबा। गोटे मिनट पर कभर बाहर करे आम रेडी हो जाए फाइनाली दही कांजी। तो चलतु एबे आम सर्व करवा। तो दही कांजी रेडी हो जाए गरम गरम भात रही दही कांजी खातु देखिए केमी टेस्ट लगला निश्चित घर थे बनातु। तो आज रेसीपी आपण मानक केमी लगेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइबे। रोची।